हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। और अभी तो आपको पता है कि मैंने पिछली बार मोटरोला G52 का आपको उसका अनबॉक्सिंग करी और उसके बारे में बताया। अभी उसको 10 दिन होने दीजिए, 15 दिन होने दीजिए, फिर यूज़ करके मैं बताऊंगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ अच्छी है, ठीक है। और आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू अनबॉक्सिंग, रियलमी C30। जी हाँ, रियलमी C30 एक बहुत ही कम बजट का फ़ोन है, जिसके पास बहुत ही कम पैसा है वो इस फ़ोन को ले सकता है। अच्छा फ़ोन है, तो आइए हम उसको दिखाते हैं। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। तो आ गए हैं, देखिए ये है आपका रियलमी C13। और पता नहीं उसमें उल्टा दिख रहा है सीधा दिख रहा है, मुझे तो यहाँ सीधा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मिरर कैमरा कभी कभी हो जाता है तो उल्टा दिखती है चीज़ें। तो ये है रियलमी C13 और ये है बहुत ही कम बजट का फ़ोन, जो कि आता है सिर्फ मात्र 6000 रुपये में। 6000 रुपये में इसको 2 GB आपका रैम मिलेगा और 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा आपको। और फिर मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ, अनबॉक्सिंग करता हूँ, ठीक है। इसका मैंने ऊपर प्लास्टिक कवर रैप किया गया था, तो मैंने उसको हटा लिया है फिलहाल में, और अभी मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से देखिए, ये जो है यहाँ पे आपका इसमें सिम इजेक्टर ट्रे है, इसके अंदर ये देखिए लगा हुआ है आपका, इससे आप सिम वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर में यही आया है। फिर आता है ये आपका फ़ोन, जो कि अच्छे से रैपिंग की गई है इसकी। फ़ोन को हम साइड में रखते हैं फिलहाल, इसको मतलब दिखाते हैं आपको अंदर क्या क्या है चीज़ें। ये देखिए आती है चार्जर, जो कि एक है बहुत कम वाट का चार्जर, या 5 वाट का चार्जर से दिया हुआ है। 5 वाट का चार्जर आजकल कौन देता है, कम से कम 10 वाट का चार्जर देना चाहिए था इसको, लेकिन 5 वाट का चार्जर है, 2 एम्पीयर का चार्जर है, ठीक है, 2 एम्पीयर का है, अच्छी बात है, चार्ज अच्छे से करेगा। और ये जो केबल है आपका, ये टाइप सी केबल नहीं है, ठीक है, USB केबल है, USB पोर्ट में लग जाएगा, तो चलिए ये ठीक है, ये भी चीज़ें अच्छी हैं। और अंदर क्या है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है, ना इसका वारंटी का, ना कंस्ट्रक्शन वाला ऐसा कुछ। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये है आपका सेफ्टी गाइडलाइंस, और यहाँ पे आपका सिम इजेक्टिंग के बारे में ऐसा बताया गया है, ठीक है, यहाँ पे कैसे निकालना, कैसे लगाना, ये चीज़ अलग रखते हैं। अब आइए दिखाते हैं आपको फ़ोन, ठीक है। तो ये रहा फ़ोन, अरे वाह, फ़ोन काफ़ी पीछे से देखिए काफ़ी प्रीमियम लुक है, और यहाँ पे मैट फिनिश दी गई है, स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे आपके यहाँ, विदाउट कवर आप इसको अच्छे तरह से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे यहाँ से, ठीक है। और आगे से ये देखिए, ये इसका डिस्प्ले, एक अच्छा मस्त डिस्प्ले है, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूँ, इसमें देखिए यूनिसॉक T612 प्रोसेसर लगा हुआ है। अब ये कितना अच्छा काम करता है ये आपको यूज़ करने के बाद बताएंगे, ठीक है। और 16.5 सेंटीमीटर का इसका डिस्प्ले है, और इसमें 5000 mAh की बैटरी है, मतलब सही है यार, 6000 के में क्या लेंगे आप, क्या ही मिलेगा आपको, 6000 में एक बढ़िया अच्छा सा स्मार्टफोन मिल रहा है आपको चलाने के लिए, ये तो काफ़ी बढ़िया। मैं तो आपको कहता जो आजकल लावा का फ़ोन मिल रहा है, मुलायम सिंह यादव वो वाला यार, जो फ्री में बांट रहे हैं लोग, तो वो उससे तो लाख गुना बेटर ये वाला फ़ोन है ना, ये वाला चीज़ है। तो इसको अभी हम रिस्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो फ़ोन को हमने कर लिया है स्टार्ट, और ये देखिए यहाँ पे एक मस्त लुक देखने को मिल रहा है, और इसमें 60Hz का रिफ्रेश रेट है, जो कि एक अच्छा काम कर भी रहा है, फर्स्ट क्लास का यार फ़ोन देखने में काफ़ी अच्छा है। मेरे ख्याल से LCD, इस डिस्प्ले इसका LCD है, ठीक है, और डिस्प्ले काफ़ी इसका लाइट है, मस्त है यार, 6000 में वाकई में यार बहुत मस्त फ़ोन है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ें देखो, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है, आप धूप में भी इसे ले जाके आराम से देख सकते हैं, फ़ोन को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, धूप वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। देखिए आप इसे, मैं इसका थोड़ा सा व्यू कर लेता हूँ, हाँ जी दोस्तों, तो कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो और कैसी लगी अनबॉक्सिंग। अभी इस फ़ोन को हम अच्छे से यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद आपको इसका रिव्यू बताएंगे कि ये फ़ोन चलाने में कैसा था और क्या इसमें प्रॉब्लम थी और क्या इसमें खूबियाँ थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ अच्छी से अच्छी आपको देख सको यार।
ठीक है यार, मतलब होता क्या है ना कि बहुत सारे चैनल्स हैं, सब लोग अपना रिव्यू देते हैं, मैं एकदम ट्रूली रिव्यू देता हूँ, खराब है तो खराब है, अच्छा है तो अच्छा है, मैं पैसे खा के काम नहीं करता। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल वाली बटन दी होगी वहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।